नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जो जो UG और PG में पढ़ रहे हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों को एक मौका है दोस्तों, अपना रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन करा सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया UG PG रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए न्यू में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे UG PG जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के साइट पे जाना है दोस्तों, और यूजी और पीजी का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन पहले करवा चुके हैं और उनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन छूट जाता है तो दोस्तों क्या होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, बगैर रजिस्ट्रेशन का आप लोग जो है दोस्तों क्या है अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते, आपका साल जो है बर्बाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों क्या करिए, जब भी दोस्तों क्या है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप लोग अपना जिनका भी छूट गया रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो है UG PG का अगर आप लोग दोस्तों ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं दोस्तों, BA BSc BA BCom में, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, और जो MA MSc और MCom में पढ़ रहे हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जो भी है यहाँ पे जो भी है UG PG के यहाँ पे क्लिक करिए। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा नया पेज खुल जाएगा, सर्च स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकला है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो बदल नहीं सकते, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डालिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। आप लोगों ने जिस भी कॉलेज में आप लोगों ने जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया दोस्तों, एडमिशन करवाया, वहाँ पे आप लोगों को एक क्या दिया जाता है, आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को क्या दिया जाता है, एक वो रोल नंबर दिया जाता है। ठीक है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर उसको बोलते हैं, जो आप लोग जो एडमिशन करवाते हैं शुरू शुरू में, और जो आप लोगों को रोल नंबर दिया जाता है वही जो होता है एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो है रोल नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप लोग यहाँ पे अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। जब यहाँ पे दोस्तों अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, जब ये आप यहाँ पे फिलअप करेगा, यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा कोड भरना, अगर आप लोगों को कैप्चा कोड गलती हो जाता तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बगल में आप लोगों को कैप्चा कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जब यहाँ सारे चीज़ आप भर लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक बार भर के बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि दोस्तों यहाँ पे जो है वो अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि दोस्तों आप तो अभी क्या कर रहे, रजिस्ट्रेशन ही करवा रहे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका कॉलेज का रोल नंबर है आप लोगों को मिला है, तो आप लोग जो है यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ एक बार रोल नंबर फिल करता हूँ या डेट ऑफ बर्थ भरता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अगले पेज पे मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, जब ये हमने दोस्तों अपना जो है एडमिशन रोल नंबर भरा, और वहाँ पे दोस्तों क्या किया, पिछले पेज में हमने क्या भरा दोस्तों, वहाँ पे जो हमने रोल नंबर अपना डेट ऑफ बर्थ भरा, तो देखिए दोस्तों हमारा जो है नया पेज जो है अपन रजिस्ट्रेशन का जो ओपन, नया रजिस्ट्रेशन पेज जो हमारा ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो पेज है अपना ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना दोस्तों आपका जो भी नाम है डालिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अपना फादर नेम डालिए, यहाँ पे दोस्तों मदर नेम डालना पड़ेगा अपना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालना, यहाँ पे आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना, यहाँ पे कास्ट कैटेगरी दोस्तों, यहाँ पे सब कैटेगरी आप तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद जो भी है EWS है तो करिए। यहाँ पे आप लोगों को आधार नंबर देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल नंबर देना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है नीचे में आइए, यहाँ पे आप लोगों को करेंट एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस। करेंट एड्रेस का मतलब अगर दोस्तों आप जहाँ पे अगर अपने घर पे नहीं रहते हैं, गांव से अगर बाहर रहते हैं, तो आप अपना करेंट एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मतलब आपका जो घर है, जो यहाँ पे अस्थाई घर है वहाँ उसका दे सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज नेम डेल, यहाँ पे कॉलेज नेम डालिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डिग्री किस चीज़ का ले रहे हैं वहाँ पे डालिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे स्ट्रीम क्या है आप लोगों का दोस्तों, कॉमर्स है, साइंस है या आर्ट है, जो भी है यहाँ पे डालिए, फिलअप करिए। ठीक है दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल, ठीक है दोस्तों, आपका जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल है, यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर
नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग वो डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो है, बोर्ड आपका जो भी नाम है यहाँ पे दोस्तों, अगर आप यूजी के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है जो भी ट्वेल्थ में आप लोगों ने जिस बोर्ड से, बिहार बोर्ड से किया, CBSE बोर्ड वो डाली। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी आप लोगों ने किया है, यहाँ पे आप लोग अपना मार्क्स ईयर जो भी है डालिए। और नीचे में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को फोटो डालना है, सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पे फोटो जो है स्कैन करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल जो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे में यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना, जब भी आप सबमिट पे क्लिक करिएगा दोस्तों तो आप लोगों को जो भी रजिस्ट्रेशन का जो फी है दोस्तों 700-800 रुपये है, वो आप लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे अपना नाम भर लीजिए, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ मदर नेम यहाँ पे क्या मदर नेम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर जनरल है तो जनरल दोस्तों, यहाँ BC1 आते हैं तो दोस्तों BC1 या BC2 आते हैं तो दोस्तों BC2, चलिए BC2 सेलेक्ट कर लेते। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में जो भी आते हैं दोस्तों यहाँ पे कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, रिलीजन अपना हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना दोस्तों क्या है, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, आपको नेशनलिटी आप लोग जो भी इंडियन है जो भी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ ABS दोस्तों ये यहाँ पे नो ही रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल नंबर, यहाँ करेंट, यहाँ परमानेंट एड्रेस डालिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना कॉलेज नेम डालिए दोस्तों, डिग्री किस चीज़ का ले रहे हैं, UGPU जो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो भी है स्ट्रीम वगैरह जो भी है आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ इश्यू जो भी है यहाँ पे जो भी अपना सब डालिए, यहाँ पे बोर्ड वगैरह जो भी है आप अपना फिलअप कीजिए, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर करके करके यहाँ पे आप लोगों को क्लिक, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, आप लोगों को सारा डिटेल भर के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए, इस तरह से आप पेमेंट डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं जो भी 800-850 जो इतना भी रुपया लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग जिनका भी रजिस्ट्रेशन छूट गया, वो अपना PG और UG का रजिस्ट्रेशन छूट गया है, ऐसे स्टूडेंट जो PG और UG का रजिस्ट्रेशन छूट गया तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके अपना करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को जो है रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जानकारी को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।